अच्छा आप लोग मेले में जाएंगे तो अगर ये गुम हो जाएंगी पूजा भाभी तो आप क्या कीजिएगा? तो हम पटना के दरोगा बाबू से गुहार लगाएंगे कि सोनपुर के मेला बा में धनिया है रागेल ए दरोगा बाबू खुद दिया धनिया हामा। आई लव यू पूजा जी। आई लव यू टू योगेंद्र जी। थैंक यू पूजा जी। वाह वाह पूजा जी, अगर हमसे नाराज है तो हम भी नाराज है। पूजा जी एक रोटी खाएंगे तो हम भी एक रोटी खाएंगे। पूजा जी अच्छे से प्यार करेंगे हम तो पूजा जी के लिए प्यारा सा ताजमहल बनवा देंगे। वाह 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 वाह। ये भुला जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा? जान दे देंगे। आए? जान दे देंगे। अच्छा अगर ये भुला जाएंगे जोगिंदर भाई तो आप जान दे दीजिएगा? जी। अच्छा इनके तो नहीं मिलेंगे तुम जान दे देंगे। परदेसी मेरी यारा वादा लिभाना। पूजा जी समझे? परदेसी मेरी जाना वादा लिभाना, परदेसी परदेसी मुझको छोड़ के जाना नहीं। मिले हम तुमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मैंने क्या रच की खुदाई की और ऐसी योगेंद्र भाई की अनोखी जोड़ी बना दी। नमस्कार, अभी हम सीतामढ़ी के पावन धरती पे हैं और आप लोगों को जो एक ऐसी अनोखी जोड़ी जो दिख रही है जो शादी करके काफ़ी खुश है। दोनों अलग अलग समाज से हैं, ये कुशवाहा समाज से हैं तो ये कुर्मी समाज से हैं। हालांकि इन लोगों का जोड़ी कैसे मिल गई इनसे बातें करेंगे और विशेष इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले योगेंद्र भाई आपका स्वागत है। थैंक यू भैया। थैंक यू। आपको भी स्वागत है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र कुमार। आपका नाम क्या होगा? पूजा कुमारी। अच्छा योगेंद्र भाई, आप कभी सोचे थे कि मेरा शादी होगा? हम कभी विश्वास भी नहीं किए थे कि हमको शादी होगा, कभी उम्मीदें नहीं था कि हमको शादी होगा। अच्छा आप कभी सोची थी? हम ही नहीं सोचे थे कि शादी होगा, विश्वास ही नहीं था। विश्वास पूरा टूट गया था कि शादी नहीं होगा। जो देखिए आपका हाइट क्या है? आपका हाइट? मेरा हाइट 3 फीट है। और आपका हाइट? मेरा भी 3 फीट है। अच्छा आपका एज कितना हुआ? मेरा उम्र हो गया रियली उम्र 28 साल। और जितना भी मीडिया बंधु है तो शादी के दिन जो पुनौरा धाम पर शादी हुआ 20 तारीख के गर्मा 2022 में, तो उस भीड़ में मतलब बोले थे उम्र सही, उस मतलब मीडिया बंधु को हालत ज़्यादा हो रहा था तो सुनने में मतलब थोड़ा अथी हो गया, तो 32 साल की उम्र से हम पूरे अथी में वायरल हो गए। मेरा उम्र रियली 28 साल है। आपका उम्र कितना हुआ? 21 साल है। अच्छा आप पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? हम तो BA पास है। आप? जी 9th की हुए। अच्छा आप शादी से कितना खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत। अच्छा आप शादी से कितना खुश हैं? हम जितना सोच भी नहीं सकते उससे चरगुना खुश है। देखिए ये अनोखी जोड़ी है जो पूरे देश में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है और जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल चल रहा है। कि अच्छा योगेंद्र जी एक बात बताइए कि आप जो शादी से पहले कौन सी काम कर रहे थे? कौन सा शादी से पहले? हम पहले साल भर पहले हम वार्ड सदस्य के चुनाव लड़े थे, तो चुनाव में हम किसी कारणवश हार गए। हारने के बाद भी मेरा दिल टूटा नहीं, एकदम हौसला बुलंद करके फिर अपने काम में लग गए। लगने के बाद हुआ कि फिर जनता को काम को लेकर के अपने सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के जिला मुख्यालय के रास्ते से जा रहे थे सुबह के 10-11 बजे के टाइम में, तो वहाँ एक 4 चक्का ड्राइवर साहब अपने गाड़ी लगा करके खड़ा थे, तो जा रहे थे तो उस ड्राइवर साहब को नज़र हम पे पड़ा, तो हमारे पर पड़ा तो फिर 3-4 बार आवाज़ दिया छोटू छोटू। तो आवाज़ देने के बाद क्या हुआ तो हम फिर उस आदमी की ओर देखे तो आदमी के पास भी गया, तो बोले हाँ बोलिए भाई जी कहा के लिए आवाज़ दे रहे? तो बोले कि शादी करोगी छोटू? तो हम बोले शादी? महाराज मजाक क्या अलग करते, मतलब 2-3 बार ऐसा ही बोले, विश्वास नहीं हुआ। क्योंकि सीतामढ़ी के जितना भी प्रखंड है पंचायत है सारे के सारे लोग जिला मुख्यालय के पास काम करवाने प्रतिदिन सुबह के 10-11 बजे लेकर शाम के 4-5 बजे तक मतलब लग रहा था, क्योंकि जिला मुख्यालय है वहाँ पास में। तो हम वहीं पर अपने ऑफिस कार्यालय प्रखंड कार्यालय SDO ऑफिस जिला में काम करते थे, कोई भी जनता को सेवा करते थे और उसी से 2 रुपया जीवन यापन चलता था। तो सभी आदमी प्रतिदिन फोटो खींचता था और ब्याह शादी करवाता था, इसलिए हमको विश्वास नहीं था, इसलिए कि उस ड्राइवर को भी हम झाड़ देते 3 बार। तो फिर क्या हुआ, ड्राइवर साहब बोले ठीक है छोटू विश्वास नहीं तो कम से कम फोटो दे दो एक। हम बोले देखिए भाई जी एक फ़ोटो के
क्योंकि एक फोटो क्यों लीजिएगा, एक फोटो के बदला 10 फोटो लीजिए, क्योंकि भर दिन फोटो खींचता लोग, भर दिन शादी ब्याह कराता तो इसलिए उस ड्राइवर साहब पर भी विश्वास नहीं हुआ। विश्वास नहीं होने के बाद फिर वो ड्राइवर साहब क्या किया, जो मेरे ससुर बनने वाले थे पूजा का पापा, उसके व्हाट्सएप पर ये फोटो भेज दिए। भेजने के बाद पूजा के पापा और इनके मम्मी सिस्टर लोग, दादा दादी और पूजा, पूरे फैमिली के लोग देख करके मेरे फोटो के सेव किए, पसंद कर लिए। पसंद करने के बाद फिर वो लोग का मंजूर हुआ तो जानकी मंदिर में एक दिन टाइम दिया गया, तो हम अपने इधर से हम थे और मेरी मम्मी थी और भांजा और दीदी लोग भी थे, और उधर से भी शायद पूजा थी, पूजा के मम्मी दादा दादी सिस्टर लोग फुआ लोग थे, उधर से आया जानकी मंदिर में देखा देखी हुआ, पूजा को हम भी देख और पूजा हमको भी देख करके एक्सेप्ट किया। दोनों का रिश्ता मंजूर हुआ, सभी को पसंद हुआ, और वही रिश्ता जब मंजूर हुआ तो अप्रैल के 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में रिश्ता मंजूर थी। तब जब वहाँ देखा देखी हुआ तब फिर वहाँ राय विचार किया गया कि ठीक है, पूजा को पापा को भी बिचमानी के तौर पर बोला गया कि अब क्या कीजिए, अब लड़का को घर पर आइए। तो लड़का मेरे घर पर आया तो उनको, उन लोगों को अच्छा से नाश्ता पानी खिलाया पिलाया, अच्छा से स्वागत किए। स्वागत करने के बाद मेरे घर का रिश्ता और पूजा का रिश्ता, दोनों का रिश्ता मंजूर हो गया कि हाँ अब शादी होगा। जब से रिश्ता मंजूर हुआ तो अप्रैल में 20 या 30 तारीख के बीच में रिश्ता मंजूर हुआ, तो उस टाइम से मोबाइल से धीरे धीरे बात होने लगा। बात होते 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 जब शादी का लगन आया तो फिर मतलब दोनों ओर से दबाव होने लगा कि अब शादी का लगन आ गया तो शादी का डेट रखा जाए। तो शादी का डेट 20 तारीख 11/2022 नवंबर में रखा गया। तो उस शादी के डेट पर पुनौरा मंदिर में पूरे सही समाज और पूरे पूजा जी के भी सही समाज और पूरे फैमिली लोग, मेहमान लोग, अतिथि लोग के सहमत से पुनौरा धाम पर बहुत धूमधाम से शादी हुआ। चलिए, अभी सोची थी कि हाँ मेरा शादी होगा और ऐसे ही मतलब आप मेरे ही हाइट के दुल्हा मिलेंगे मुझे? हमको तो भी नहीं पता था कि मेरा शादी का, विश्वास भी नहीं था कि शादी होगा कभी। अच्छा, आप दुल्हा के लिए पूजा की थी क्या शंकर जी को? तो सुमारी करते थे। अच्छा, सुमारी कितने सुमारी की थी? पता नहीं, लेकिन अच्छा आप, अच्छा मतलब भोलेनाथ भगवान से आप बोले थी कि मुझे दुल्हा दीजिए? नहीं बोली थी? नहीं। अच्छा, आप कभी पूजा करके बोले थे कि नहीं? हम विश्वास नहीं किए, मतलब कभी पूजा किए थे तो बोले थे कि नहीं कि मेरा शादी हो जाए? नहीं, भगवान पर भी विश्वास नहीं किए थे। देखिए, ऐसी भगवान इनकी जोड़ी बना दी कि इनको भी विश्वास नहीं था कि मेरा शादी होगा और इनको भी विश्वास नहीं था कि मेरा शादी होगा, लेकिन भगवान ने इनके लिए खूबसूरत इन्हीं के हाइट के जोड़ी बना करके रखे हुए थे। ये कि आप अगले भविष्य में क्या करने के लिए सोच रहे हैं? अगले भविष्य में जितना भी मेरे घर पे या दरवाजे पर मीडिया बंधु आते हैं सभी एक राय विचार दे के जाते हैं कि योगेंद्र जी आप अपना एक चैनल खोल लीजिए यूट्यूब के माध्यम से, ब्लॉग वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप 2 रुपया जीवन यापन कीजिएगा। तो हम अपना चैनल खोले हैं 3 फुट योगेंद्र पूजा ऑफिशियल जी, उसको जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हालांकि लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे सब्सक्राइब कीजिए और इनको, इन लोगों को जो है सपोर्ट कीजिए। तो शादी करने के बाद में पूजा जी को अभी क्या कुछ आप गिफ्ट दिए हैं कि नहीं? गिफ्ट तो नहीं दिए थे, पटना से आर एन न्यूज का निभा मैम आई, 2 से 3 दिन के बाद गुलाब के फूल से हम प्रपोज किए थे। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा आप पूजा भाभी को थोड़ा प्रपोज कीजिए ताकि ऑडियंस देखें। आई लव यू पूजा जी। आई लव यू टू योगेंद्र जी। थैंक यू पूजा जी। वाह वाह वाह, देखिए योगेंद्र भाई बहुत अच्छे तरीके से प्रपोज किए पूजा भाभी को, और इनका जो है प्रपोज करने का जो तरीका जो है कुछ अलग ही था, और इनके हाथ में जो है फूल है और कौन सा फूल है सीधे आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इस तरीके से इनको प्रपोज किए। लेकिन हम चाहेंगे कि थोड़ा एक बढ़िया सा थोड़ा गाना गा करके इनको जो है स्टाइलिंग थोड़ा दे दीजिए ताकि पूजा भाभी को लगे कि हाँ मुझे इस तरीके से करना चाहिए था। पूजा जी अगर हमसे नाराज है तो हम भी नाराज है, पूजा जी 1 रोटी खाएंगे तो हम भी 1 रोटी खाएंगे, पूजा जी अच्छे से प्यार करेंगे हम तो पूजा जी के लिए प्यारा सा ताजमहल बनवा देंगे। वाह 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 वाह, ये बोल रहे हैं कि अगर मुझसे अच्छे से प्यार करेगी तो मैं इनके लिए ताजमहल बनवा दूंगा जी। अच्छा, आप इनके प्रति क्या रखती है? और ज्यादा विश्वास करते हैं। इनसे जो है इनका बहुत अच्छा लगाव है, और दोनों का जोड़ी है जो अनोखी जोड़ी है, ऐसा आप लोग नहीं सोच सकते हैं जैसे इन दोनों का जोड़ी है जो हमारे सामने जो है और हमारे बीच जो है
अच्छी है, लेकिन हम चाहेंगे कि योगेंद्र भाई थोड़ा पूजा के लिए एक अच्छा सा थोड़ा गाना गा करके इनको प्रपोज कर दीजिए, ताकि ऐसा लगे लोगों को हाँ कि योगेंद्र भाई के साथ ऐसा है। परदेसी जाना नहीं, पूजा जी छोड़ के हमको जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं, मुझको छोड़ के जाना नहीं, परदेसी मेरी यारा वादा लिभाना, पूजा जी समझे, परदेसी मेरी जाना वादा लिभाना, परदेसी मुझको छोड़ के जाना नहीं। अच्छा आप लोग मेले में जाएंगे तो अगर ये गुम हो जाएंगी पूजा भाभी तो आप क्या कीजिएगा? तो हम पटना के दरोगा बाबू से गुहार लगाएंगे कि सोनपुर के मेला बा में धनिया है रागेल, ए दरोगा बाबू खोज दीहा धनिया हमार, ए दरोगा बाबू, क्योंकि अभी पूरे विश्व के एशिया मेला जो सोनपुर मेला में लगता है, अगर उस मेला में हम और हमारी पत्नी अभी जाएगी तो मेरी पत्नी भुला जाएगी, तो इसीलिए हम तो खोज नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो मेरी पत्नी भुला गई है, अगर फिर हम भुला जाएंगे तो मेरी पत्नी खोजेगी, तो इसलिए हम वहाँ के दरोगा बाबू से गुहार लगाते हैं कि मेरी पत्नी को खोज दीजिए, इसलिए मैं वो गाना गाया। अच्छा अब पूजा भाभी इधर आ जाइए, अगर आप अगर ये भुला जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा? जान दे देंगे। आए? जान दे देंगे। अच्छा अगर ये भुला जाएंगे जोगिंदर भाई तो आप जान दे दीजिएगा? जी। अच्छा इनके तो नहीं मिलेंगे तुम जाने दे। अच्छा इनके बिना नहीं रह सकती है? नहीं। अरे वाह, देखिए इन दोनों का प्यार कितना है और कितना अच्छा इन लोगों का जोड़ी है, लेकिन हम चाहेंगे कि थोड़ा एक खूबसूरत सा थोड़ा गाना हो जाए जोगिंदर भाई के लिए। गाना हाँ याद आ गया, मिले हम तुमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। वाह 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 वाह, दोनों का जोड़ी बहुत अच्छा लग रहा है और पूरे देश में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, इन दोनों का जोड़ी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा आप शादी कब की थोड़ा ही बता दीजिए। हम शादी किए, आज मेरा शादी का शायद 21वां दिन हो गया, 20 तारीख 11वां महीना 2022 में पुनौरा धाम में शादी किए हैं।